महाराष्ट्र की सियासत में पार्टियों के अलग होने के बाद भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जहाँ पिछले कुछ महीने में सियासी समीकरण बदल चुके हैं, तो वही नए दलों और पुराने दलों में नेताओं का दिल भी नहीं लग रहा है और अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता बाबा जानी दुर्रानी शनिवार को एनसीपी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। शरद पवार ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और बाबा जानी दुर्रानी के बेटे जुनैद दुर्रानी की शुक्रवार को मुलाकात हुई थी। बाबा जानी दुर्रानी के बेटे जुनैद दुर्रानी शरद पवार गुट की बैठक में शामिल हुए। वहीं उन्होंने अपने पिता के लिए विधानसभा का टिकट भी मांगा था। इसके बाद शनिवार को बाबा जानी दुर्रानी शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। इससे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। शरद पवार गुट में शामिल होने के बाद बाबा जानी दुर्रानी ने कहा कि शरद पवार का साथ छोड़ने वालों का क्या हुआ। बाबा जानी दुर्रानी ने इस भाषण की शुरुआत करते हुए एक कविता पढ़ी। उन्होंने कुछ तो मजबूरी रही होगी वरना यूं कोई बेवफा नहीं होता। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि 1980 से साहेब के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। मैंने साहेब के चरखे से लेकर पार्टी चिन्ह से लेकर घड़ी चिन्ह तक के साथ काम किया है। मराठवाड़ा में केवल 3 नगर पालिकाएं थी, पत्री, पाटोर, उस्मानाबाद। 3 नगर पालिकाएं थी, तब से पेटरी नगर पालिका मेरे नेतृत्व में थी। हमने पंचायत समिति, बाजार समिति, जिला परिषद पर 10 साल तक एनसीपी का झंडा फहराया। बाबा जानी दुर्रानी ने कहा कि परिभानी जिले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बड़ी ताकत है। पार्टी टूट गई, उसके बाद भी कुछ कारणों से, कुछ लोगों के कहने पर मैं 2 महीने बाद चला गया। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो शरद पवार को छोड़कर चले गए। वे फिर कभी विधान भवन के परिसर में भी नहीं दिखे, शून्य हो गए। ठीक है सर, मैं शून्य से पहले आया था। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा चुनाव में देश की तस्वीर देखी। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, बीजेपी के साथ गई हो या किसी अन्य पार्टी के साथ गई, जनता ने उन्हें नकार दिया। बाबा जानी दुर्रानी ने यह भी कहा कि ये लोगों की मानसिकता है। एनसीपी में फुट के बाद बाबा जानी दुर्रानी अजीत पवार के साथ आ गए थे। विधान परिषद के विधायक के रूप में उनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है, लेकिन अजीत पवार ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, तो वह शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। बाबा जानी दुर्रानी 2004 में पहली बार विधानसभा में विधायक बने थे। वह 2012 और 2018 में विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन बाद में वह अजीत पवार के साथ चले गए थे।